दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा डीओबी में 20 वाट का, ठीक है। अभी ये फ्रेम में लगा के अभी आपको दिखा रहा हूँ जो इसका कैसे काम दे रहा है। ये हम लोग का WBLS का हम लोग का प्रोडक्ट है, आपको पहले वीडियो में भी मिल जाएगा, होलसेल प्रोडक्ट उधर हर लिस्ट रहता है, आप चेक कर सकते हो मेरा नेक्स्ट वीडियो का, मतलब पहले वीडियो का। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है आपका 20 वाट का डीओबी में धूम लाइट। एक हाउसिंग चाहिए और एक पूरा सेट आता है हम लोग के पास, अवेलेबल मिल जाएगा। एक हाउसिंग, एक आपका डिफ्यूजर, एक निकेल का कैप B22 और एक वायर और आपका डीओबी का अल्फा डीओबी का WLS का ही प्रोडक्ट लगाने से अच्छा होगा, क्योंकि इसका रोशनी बहुत जबरदस्त होता है। इसका डबल कैपेसिटर है, कॉइल देखते हो कितना अच्छा फिनिशिंग है, IC तो बढ़िया फिटिंग किया हुआ है, इसका थिकनेस भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया, फुल आपका मेटल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इस पर आप ऐसे घुसा दोगे तो आपका ये फिटिंग हो जाएगा। अभी कैसे फिटिंग करते हैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हीटिंग पेस्ट है। अभी ये हीटिंग पेस्ट आपको लगा लेने से आपका जो हीटिंग का हीटिंग होता है उसका थोड़ा मेजरमेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके हीटिंग पेस्ट लगा लेंगे, ज़्यादा मत, इसको इधर से जस्ट पुश कर देना है दोस्तों। देखिए इसको पुश कर दिया, पूरा फिटिंग हो गया। दूसरा वाला भी आप इसमें ऐड कर दीजिए ऐसे करके, तो देखिए दूसरा वाला भी इजी से आपका बैठ गया। अब इसका जो एक्स्ट्रा वायर आ रहा है बाहर, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वायर है वो थोड़ा सा काट देना ऊपर से ऐसे, इसको थोड़ा सोल्डिंग कर देना दोस्तों। सोल्डिंग करने से बढ़िया बैठ जाएगा। देखो दोस्तों आपको इधर हल्का हल्का सोल्डिंग इसमें जंपिंग कर दिया, जैसे ये पूरा सील हो जाए यार, इसको खींचने से भी ना टूटे। बस इतना छोटा छोटा सोल्डिंग कर देना है। अभी इसको टालने से भी इसको रखिए बढ़िया बैठ गया, ठीक है दोस्तों। अभी इसको मैं सीरीज लाइन से चेक कर ले रहा हूँ आपको, क्योंकि चेक करने से बैठाने से आपको सुविधा होगा, फिटिंग करने से फिर खोलना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको देख सकते हो, इसको लगाने के टाइम पे कितना अच्छा रोशनी देगा, देखो दोस्तों, मतलब बढ़िया रोशनी है। देख सकते हो 20 वाट का रोशनी डबल कैपेसिटर में डीओबी में अल्फा डीओबी WBLS का प्रोडक्ट है, इसका बढ़िया रोशनी दे रहा है। अब इसको मैं फिट कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों इसको फिट करने से इधर थोड़ा सा हल्का हल्का दम लगा दो, आप चाहे तो इसको सिलिकॉन पेस्ट लगा सकते हो। दोस्तों देखो ये बढ़िया से बैठ गया, ठीक है, थोड़ा सा पोंछ लेना इसका जो एक्स्ट्रा धुला है वो चला जाएगा। दोस्तों इसका पीछे वाला जो निकल कैप है उसको क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा वायर निकाल रहा है, इसका एक्स्ट्रा वायर जैसे काट दो। बहुत इजी काम है दोस्तों, ज्यादा हेडेक का काम नहीं है, और भी हेडेक का काम नहीं है। अभी जो पिन है दोस्तों, इसका पिन ऐसे दबा दो, इसका भी सेम दोस्तों देख सकते हो पिन एकदम बढ़िया से बैठ गया। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है, ये एक्स्ट्रा वायर थोड़ा सा ऐसे काट देना दोस्तों। अब एक पूरा फिटिंग हो गया, इसको मैं और एक बार सीरीज लाइन में चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो बढ़िया लाइट जल रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया जल रहा है। निकेल कैप है, निकेल वाला जो आपका कैप है वो आपका पंचिंग मशीन में
पंच होता है और हर टाइम इसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे दाब के रखना कि नीचे वाला जो पोजीशन है वो इधर उधर ना मूवमेंट करे, इसलिए ऊपर से दाब के रखने से एक ही बराबर लाइन पे बैठ जाएगा। तो देखो दोस्तों ये पंचिंग मशीन है, अच्छा क्वालिटी का पंचिंग मशीन मिल रहा है, तो बढ़िया पंच होगा। जस्ट एक बार दबा देना है और देखो इसका पंच देखो बराबर एक एक पॉइंट पे इधर उधर उल्टा मतलब ऊपर नीचा ना हुआ, सीधा बैठा है एकदम। जो कस्टमर लेगा जो हवाई कुछ प्रोडक्ट मुझे हाथ पे दिया है, आपका ऊपर का डिफ्यूजर है, आप डिफ्यूजर का मुंह में जितना घाट है उस घाट पे बैठा दोगे बढ़िया से बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों अभी बढ़िया बैठ गया, अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेना क्योंकि ये काम करने के टाइम पे थोड़ा सा इधर उधर मैला पड़ जाता है, थोड़ा सा क्लीन कर लेना। अब देखो दोस्तों इसका फिनिशिंग एकदम बढ़िया, आपका रूम लाइट बन गया आपका आंखों के सामने। अब इसको जला के आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छा रोशनी है। अब दोस्तों देख सकते हो ये हम लोग बनाए हैं, अभी ये वाला जो है ये ड्राइवर का है, अभी आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ ड्राइवर का ही है दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये ड्राइवर वाला लगा हुआ है, बढ़िया फिटिंग किया हुआ है इसका। अब इसको इसका रोशनी और इसका रोशनी में आपको दिखा रहा हूं, दोस्तों ये है आपका ड्राइवर वाला रोशनी देख सकते हो, मतलब ब्रांडेड क्वालिटी का रोशनी। और हम लोग का डीओबी वाला भी है वो भी आपको दिखा रहा हूं, रोशनी देखो इसका आप देखो ये भी ब्रांडेड कलर के रोशनी है। अब देख सकते हो ये ड्राइवर में है डीओबी में है, थोड़ा ये एक दो का फर्क है दोस्तों, ड्राइवर से भी डीओबी कम नहीं है, एकदम बढ़िया रोशनी दे रहा है, बढ़िया कलर है एकदम, मतलब आप आराम से मार्केट पे इसको हंस खेल के भी बेच सकते हो। आपका सामना सामने आपको दिखा रहा हूँ ये ड्राइवर वाला है डीओबी वाला है, अब दोनों का रोशनी आप खुद ब खुद ही देख के आपका हिसाब से बोल सकते हो जो कैसा क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। तो क्वालिटी चाहिए तो हम लोग के पास आ जाओ, फोन करो, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहता है दोस्तों, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कॉल भी कर मैंने मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो पे और भी अच्छी तरह से लेके आऊंगा। और हर टाइम हम लोग सिखाते हैं सोमवती एलईडी लाइट पे, जो काम करना है तो बढ़िया करो और रद्दी का माल मत बेचो, क्वालिटी बेचो, जैसे कस्टमर लोग और भी आए। मुझे आज दार्जिलिंग पे पार्सल हुआ ये जाएगा, आपको चाहिए तो जितना चाहिए उतना, मैं तो बहुत देर हो गया वीडियो नहीं बनाए, सॉरी दोस्तों पहले मांग रहा हूँ। और आप लोग को जितना प्रोडक्ट चाहिए इंडिया पे जितार बोलो उधर डिलीवरी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हो 9 वाट का ड्राइवर समेत मंगा है, ठीक है हम लोग का ब्रांड पे। आज के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो करेंगे, बाय बाय दोस्तों।